हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और बहुत ही सिंपल तरीके से दम आलू की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी बना सकता है, कभी भी बना सकता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने यहाँ ढाबा स्टाइल दम आलू बनाया है, तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ मेरे वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ले लिए कढ़ाई, उसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद डाल रही हूँ एक तेज पत्ता, दो से तीन लौंग, चार से पांच काली मिर्च, एक चम्मच जीरा। मैंने एक मसाला पीसा था जिसमें चार बड़े मैंने प्याज, चार बड़े टमाटर, चार पांच लहसुन की कलियाँ, एक इंच अदरक का टुकड़ा और एक चम्मच खसखस डाल के पीस लिया था। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ रूटीन के मसाले, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छा सा स्टर दे देंगे फ्रेंड्स। अब इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे जब तक कि जो तेल है ना वो अलग ना हो जाए। अब हमारा तेल रिलीज हो गया है, मसाले से सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही, जिसे मैंने फेट लिया था अच्छे से, आधा कटोरी करीब दही लिया था। ये फ्रेश दही है एकदम। निरंतर चलाते हुए मसाला भूनेंगे हम। दही हम जब भी डालते हैं हमें उसे लगातार चलाते रहना चाहिए। थोड़ा सा ढक के मैंने पका लिया था, कलर बहुत सुंदर आया है देखिए आप लोग। थोड़ा सा चलाएंगे इसे। मसाला हमें मीडियम स्लो आँच पर ही पकाना है। कुटी हुई मैंने बड़ी इलायची यानी डोड़ा डाल दिया है, एक लिया था मैंने डोड़ा यहाँ पर। साथ ही गरम मसाला डाला है एक चम्मच, साथ ही डाल दिया है मैंने कसूरी मेथी क्रश करके। चला देंगे अब हम इसे। फ्रेंड्स, ये एकदम ढाबा स्टाइल सब्जी बनकर के तैयार हुई है दम आलू की। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ बॉइल्ड आलू का यूज़ किया है आज, तो मैंने मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू लिए थे, कम से कम 10 से 15 लिए थे। उसे मैंने बीच में से कट कर लिया था और 80% बॉइल्ड कर लिया था। आप चाहें तो बहुत छोटे आलू जो आते हैं ना वो वाले आप आलू ले सकते हैं और पूरा के पूरा रख सकते हैं। अच्छा सा मिक्स दे दिया है इसे मैंने। अब मैं कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए पानी डालूँगी। आप चाहें तो इसे रनी रखिए, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा थिक ग्रेवी वाला रखिए, चॉइस इज़ योर्स। अब इसे ढक करके 5-7 मिनट पकाएंगे हम। तो लीजिए 5-7 मिनट हो गए हैं, सब्जी हमारी हाफ डन हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आपके कोई भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मिस हो जाते हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैं वहाँ ज़रूर से लिख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ दो से चम्मच फ्रेश क्रीम। यहाँ मैंने दो चम्मच फ्रेश क्रीम यूज़ की है। थोड़ा सा पका लिया है, दो से तीन मिनट। तैयार है हमारी ढाबा स्टाइल दम आलू। इसे आप पूड़ी, पराठे, नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चावल के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो देखते रहिएगा ज्योतिकास फूड। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और बने रहिएगा मेरे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।